आजकल गॉल ब्लैडर में पथरी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने में आ रही है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर शरीर के कहाँ किस हिस्से में पाया जाता है? गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर में अगर पथरी बन रही है तो उस पथरी के बनने का कारण क्या होता है? पथरी कितने प्रकार की होती है गॉल ब्लैडर में? और अगर वो पथरी बन गई है तो पथरी निकल सकती है या नहीं निकल सकती? कितने एमएम तक की पथरी है जिसको निकाला जा सकता है? कितने एमएम से अगर बड़ी हो गई है पथरी तो उसको निकालने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए? अगर पथरी बीच में अटक जाती है तो क्या परेशानी कर सकती है? गॉल ब्लैडर को अगर ऑपरेट करके निकालना है तो कब निकालने की सलाह दी जा सकती है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी है या गॉल ब्लैडर में पॉलिप हुआ है या गॉल ब्लैडर में सिंपल इंफ्लेमेशन हो रहा है जिसको कॉलिसिस्टाइटिस बोला जाता है, इस समस्या का पूरे तरीके से निराकरण हम समझ पाए कि क्या करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गॉल ब्लैडर को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हिंदी में इसको पित्ताशय भी बोला जाता है। पित्ताशय मतलब पित्त के रहने का स्थान, पित्त मतलब बाइल, तो बाइल का ब्लैडर भी बोला जा सकता है इसको, बाइल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर की जगह इसको बाइल ब्लैडर भी बोला जा सकता है क्योंकि गॉल का मतलब भी बाइल ही होता है। तो गॉल और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर या बाइल ब्लैडर या फिर पित्ताशय या फिर जब इसको बोला जाता है, जैसे कॉलिसिस्ट भी बोला जाता है इसको, कॉलिसिस्ट का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, कॉलिसिस्टेक्टमी का मतलब होता है गॉल ब्लैडर का रिमूवल, तो कॉलिसिस्ट भी इसको बोला जाता है, कॉलिसिस्ट। ठीक है, तो ये इतने इसके गॉल ब्लैडर के ही नाम है सारे। अब ये कहां होता है? ये होता है आपका, ये जिस तरीके से ये जो है लिवर है, ये इस तरीके से आएगा लिवर, ये लिवर है, लिवर के ठीक नीचे इस तरीके से पाया जाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर। लिवर में जो भी बनता है, जो भी बनता है लिवर में, वो इस तरीके से यहां से ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है। लिवर से जो बाइल बन रहा है वो गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है और यहां से ये बाइल जो है, यहां से बाइल डक्ट से होते हुए और इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और ये दोनों मिलकर के इस तरीके से इसमें पोर कर देती हैं पूरा का पूरा अपना सीक्रेशन। यहां से पैनक्रियाटिक सीक्रेशन आए, यहां से बाइल आया और ये जो है ये एम्पुला ऑफ बटेर होता है, इस तरीके से ये जो गॉल ब्लैडर होता है उसके ठीक राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में आगे की तरफ चल के डियोडिनम का जो सी होता है उस सी पर ये पॉइंट बनाया जाता है, पॉइंट होता है। ठीक है, अब इस गॉल ब्लैडर का काम क्या है? इस गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ इतना सा है कि जो लिवर बनाएगा वो गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होगा। गॉल ब्लैडर में आके क्या स्टोर होगा? जो लिवर बनाएगा। लिवर क्या बना रहा है? बाइल बना रहा है, तो बाइल आकर के यहां पर स्टोर होगा। बाइल क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स, तो बाइल यहां पर इकट्ठा होगा और जब यहां स्टमक में, आपने ऐसे करके स्टमक में जब फैट खाया, फैट जब भी खाया जाएगा तो फैट जब डियोडिनम पर पहुंचेगा तब ये गॉल ब्लैडर इस तरीके से यहां कॉन्ट्रैक्ट होगा और गॉल ब्लैडर में से ये बाइल निकल करके ऐसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ताकि फैट का डाइजेशन करा सके। तो बाइल का केवल स्टोरेज करने का काम करता है ये ब्लैडर, इसके लिए इसको बोला जाता है गॉल मतलब बाइल, और बाइल का स्टोरेज करने, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होती है, ऐसे ही ये गॉल स्टोर करने वाला है, इसलिए इसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, गॉल मतलब बाइल। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर करने का काम है इसका। अब क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं।
तीन कंडीशन क्या होंगी, एक तो इन्फ्लेमेशन हुआ, सबसे पहले गॉल ब्लैडर पर इन्फ्लेमेशन हुआ तो इसको बोला जाएगा कॉलीसिस्टाइटिस, दूसरा गॉल ब्लैडर पर पॉलिप हो गया तो इसका इसको बोला जाएगा गॉल ब्लैडर पॉलिप, और तीसरा एक तो बोला जाएगा कॉलीसिस्टाइटिस, ठीक है, कॉलीसिस्टाइटिस पहला, दूसरा गॉल ब्लैडर पॉलिप, तो गॉल ब्लैडर पॉलिप, और तीसरा जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना चालू हो जाते हैं तो गॉल स्टोन्स, ठीक है, गॉल स्टोन्स, जैसा कि ये बिल्कुल कंफर्म कहा जा रहा है, गॉल स्टोन मतलब गॉल मतलब बाइल, तो बाइल के स्टोन्स हैं ये, ठीक है। अब ये बाइल जो है ये दो तरीके का है, एक तो कोलेस्ट्रॉल है और दूसरा पिगमेंट्स हैं, तो बेसिकली ये जो स्टोन है ये दो तरीके के ही होते हैं, एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन, दो तरीके के स्टोन ही तो गॉल ब्लैडर में बनते हैं, तो ये दो तरीके के स्टोन जो गॉल ब्लैडर में बने ये तीसरी कंडीशन होती है। अब हम देखेंगे पहली कंडीशन, पहली कंडीशन का मतलब है कि गॉल ब्लैडर के अंदर किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन होना चालू हो गया, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर की दीवार सूजी, लाल हो गई, वहां दर्द भी है, तो कॉलीसिस्टाइटिस में राइट साइड में आपके यहां लिवर के ठीक नीचे इस हिस्से में दर्द आना चालू हो जाता है, हीट भी रहेगी, फंक्शन भी लॉस हो जाएगा, तो अगर कॉलीसिस्टाइटिस होगी तो डेफिनेटली जो यहां बाइल स्टोरेज का फंक्शन है वो भी धीरे धीरे करके गड़बड़ होना चालू हो जाता है। इस केस को अगर यहां पर कोई पथरी नहीं है तो फिर इस केस को बिल्कुल क्लियरली एंटीबायोटिक्स के यूज से, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के यूज से बिल्कुल खत्म कराया जा सकता है, या लंबे समय तक लाइफस्टाइल नेचुरल रखी जाए, लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया जाए, बहुत नॉर्मल एफिकेसी के साथ में लाइफस्टाइल को लीड किया जाएगा तो ये सिस्टाइटिस खत्म हो जाती है, जिसको कॉलीसिस्टाइटिस बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा है गॉल ब्लैडर पर पॉलिप होना, तो गॉल ब्लैडर पर पॉलिप का मतलब है कि ये गॉल ब्लैडर है, इसको हमने ऐसे करके यहां ऐसे करके बना लिया, अब अगर ये गॉल ब्लैडर है और इस पर जो पॉलिप है, इस पॉलिप को अपने को खत्म करना, पॉलिप आया इस पर, ठीक है, तो यहां से बाहर आता है, स्टोर होता है और यहां से निकल भी जाता है ऐसा, तो यहां पर ऐसे करके एक पॉलिप बन गया, या फिर पॉलिप बन गए ऐसे करके बहुत सारे, तो पॉलिप अगर बना है तो पॉलिप मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, इसके लिए आपको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन पर रहना पड़ेगा, आप हर 3 महीने में एक बार सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराते रहें और ये देखते रहें कि ये पॉलिप जो हैं ये बढ़ तो नहीं रहे हैं कहीं, अगर पॉलिप बढ़ते हुए नजर आए तो, क्योंकि पॉलिप को काटकर निकालना गॉल ब्लैडर पर से मुश्किल हो जाता है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है गॉल ब्लैडर, पॉलिप निकल नहीं सकते, इसलिए पॉलिप के केस में भी गॉल ब्लैडर को यहां से काट करके निकालना पड़ जाता है। अगर पॉलिप कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं, फंक्शंस ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई पेन नहीं है, केवल आप देख रहे हो, सोनोग्राफी करा रहे हो, पॉलिप है और वो भी बढ़ नहीं रहा है अगर, तो उसको रखो, अगर आप उस पॉलिप को नेचुरली खत्म करने का प्लान कर सकते हो तो नेचुरल प्लान भी किया जा सकता है, जिस तरीके से एक्स्ट्रा ग्रोथ को खत्म करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर अल्कलाइन डाइट का यूज करना है, आप कुक्ड को कम से कम लेंगे, रॉ डाइट ज्यादा से ज्यादा लेंगे और खूब सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके इसको खत्म कर सकते हैं, लगभग 6 महीने का टाइम लगता है, गॉल ब्लैडर के पॉलिप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है तीसरी स्थिति जो सबसे ज्यादा देखने में आ रही है और आजकल गॉल ब्लैडर में स्टोन होना बहुत कॉमन सा माना जा रहा है, तो गॉल स्टोन। गॉल स्टोन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है और दूसरा पिगमेंट स्टोन है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन बना कहां से, यहां जो कोलेस्ट्रॉल गया था यहां से बाइल बन करके ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए आया और बाइल का सॉलिडिफिकेशन हुआ और सॉलिडिफिकेशन होते होते इतना सॉलिड हो गया कि वो एक सॉलिड स्टेट में वहां पर गॉल ब्लैडर से निकलने में असक्षम हो गया, तो गॉल ब्लैडर में पड़ा रह गया। अब वो जो सॉलिड बाइल था जिसको अब धीरे धीरे करके बाइल या तो कोलेस्ट्रॉल का या फिर पिगमेंट का स्टोन बनना चालू कर दिया, अगर वो छोटा सा है तो फिर धीरे धीरे करके उस पर वो डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा और उसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साइज पहले छोटा सा बने, मतलब लगभग 3 से 4 mm का बने, हो सकता है 1 से 4 mm का बने, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में ही साइज 12 mm का बन जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना
जो बाइल था वो एक साथ सॉलिडिफिकेशन पर गया, अगर ज्यादा बाइल एक साथ सॉलिडिफिकेशन पर चला गया तो डेफिनेटली एमएम का साइज जो है, आपका पथरी का साइज जो है वो ज्यादा एमएम हो सकता है। अगर आप इस गॉल ब्लैडर के स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में प्लान करें तो फिर ट्रीटमेंट डेफिनेटली हो सकता है अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन 3 से 4 mm तक का हो डायमीटर में। 3 से 4 mm तक का डायमीटर में अगर होगा तो निश्चित ही यहां जैसे 4 mm का है और ये जो डायमीटर है नेक का गॉल ब्लैडर की, ये 4 mm का डायमीटर है। तो 4 mm का पत्थर 4 mm के डायमीटर से जैसे तैसे करके निकल करके यहां से आंत में आ जाएगा और फिर आंत से होते हुए मोशन के साथ बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर इस गॉल स्टोन का साइज इस नेक के साइज से ज्यादा हो गया तो गॉल ब्लैडर जाएगा ऊपर जरूर, लेकिन नेक से वापस लौट के आ जाएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर लौट करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि नेक से निकल करके बाहर जा ही नहीं पाएगा। और अगर मान लो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया गया, मस्कुलर रिलैक्सेंट दिला करके इसको डायलेट करा दिया गया, तो मान लो यहां से निकल करके अगर वो यहां नेक पे फंस गया तो फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस करा सकता है। अगर इसने ये कराया तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटरी कंडीशन बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर साइज आपका 4 mm का है तो ही आप गॉलस्टोन थेरेपी लें। गॉलस्टोन थेरेपी बोला जाता है इस पत्थर को निकालने की थेरेपी को। तो गॉलस्टोन थेरेपी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कैसे वो थेरेपी करी जाती है और क्या प्रोसेस होता है गॉल ब्लैडर के स्टोन के निकलने का, कैसे निकलता है। आप पूरा उसका प्रोसेस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ निकल तो सकता है, लेकिन इससे अगर बड़ा होगा तो फिर निकालने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। तो गॉलस्टोन थेरेपी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगर मान लो आपका पत्थर लगभग 8 mm से 12 mm का है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आपको यह करना चाहिए कि 12 mm का पत्थर तो इसमें पड़ा ही है, लगभग बाइल तो स्टोर हो नहीं पा रहा है, तो कोशिश करके समय निकाल करके आप इस गॉल ब्लैडर को स्वेच्छा से निकलवा लें। क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है और आप स्वेच्छा से नहीं निकलवा रहे हैं तो गॉल ब्लैडर में पथरी अगर मान लो इन्फ्लेमेशन करा देगी और कहीं मान लो पथरी टूट करके अगर वो निकल करके बीच में फंसी तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस करा देगी। ऐसे कई केसेस देखने में आते हैं कि आप जाकर के सिंपली भर्ती होकर के ऑपरेशन करा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आलस के चक्कर में आपने कि टूट जाएगा निकल जाएगा, निकाल रहे हैं वो दे रहे हैं दवाई, ये दे रहे हैं दवाई, उसके चक्कर में पथरी टूटी और पथरी फंस करके उसने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस करा दिया, ऑब्स्ट्रक्टिव पैंक्रियाटाइटिस करा दिया, और ये इतना भयंकर कंडीशन बन जाती है कि धीरे धीरे करके SGOT PT जो है ना 2-2.5-2.5 हजार हो जाते हैं। और इधर पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है, फिर ये लिवर फंक्शन बिल्कुल खराब होना चालू होते हैं, इधर ऑब्स्ट्रक्टिव पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है, लिवर फंक्शन बिल्कुल खराब हो गए, इसकी वजह से एसाइटिस आना चालू हो जाती है, पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, ज्यादा पेट में पानी भरता है, धीरे धीरे करके किडनी खराब होना चालू हो जाती है, मतलब मल्टी सिस्टम फेलियर का केस बन सकता है। कई सारे लोग इस समस्या से गुजरते हैं। इसलिए अगर गॉल ब्लैडर में पथरी ज्यादा बड़ी है तो फिर प्लान करके ऑपरेशन करा देना चाहिए। मैं हमेशा इस पक्ष में होता हूं कि अगर ऑपरेशन किसी भी चीज का टाला जा सके तो निश्चित ही टाला जाना चाहिए, लेकिन गॉल ब्लैडर में पथरी अगर बड़ी है या तो फिर वो 16-17 mm की पथरी है, पड़ी है, वो पड़ी ही रहेगी, वो निकलने की तो वैसे भी नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कभी नहीं कराएगी, लेकिन 16-17 mm की पथरी अगर गॉल ब्लैडर में पड़ी हुई है तो फिर गॉल ब्लैडर का काम क्या है, पूरा का पूरा तो पथरी नहीं भर रखा है गॉल ब्लैडर, तो उसमें वैसे भी बाइल नहीं आ पा रहा, बाइल तो आ नहीं रहा, बाइल तो वैसे भी यहां से सीधा यहां की तरफ जा रहा है, तो आप फिर गॉल ब्लैडर को निकलवा के बाहर करो, क्योंकि इसमें पड़ी हुई पथरी कब गॉल ब्लैडर को घिसते घिसते गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन करा देगी, और गॉल ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसलिए ऐसे केस में भी गॉल ब्लैडर के पथरी का ऑपरेशन कराने की बजाय, पथरी का इलाज करने की बजाय गॉल ब्लैडर को निकलवाना उचित माना जाता है। ये मेरी अपनी सलाह है, जिनका गॉल ब्लैडर अभी इंटैक्ट है लेकिन जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी बड़ी है वो गॉल ब्लैडर निकलवा दें। अगर 4 mm से कम का पत्थर उनके गॉल ब्लैडर में, जिनके भी गॉल ब्लैडर में पड़ा हुआ है, वो गॉल स्टोन थेरेपी देख लें एक बार, घर पर नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखें, देख लें समझ लें, उसके बाद फिर अपने सोनोग्राफी का
जो भी सोनोग्राफी आपने कराई है वो रिपोर्ट मुझे भेज दें। अगर आप प्लान कर सकते हैं तो हमारे यहाँ आ जाएं, हम गॉलस्टोन थेरेपी कराते हैं। हमने कई लोगों के गॉलस्टोन स्टोन्स जो 4 mm या 4 mm से कम के होते हैं वो निकाले हैं। बहुत सारे लोगों के गॉल ब्लैडर में स्लज होती है, वो तो कई लोगों की स्लज हमने निकाली है। गॉलस्टोन थेरेपी, जिसको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है, वो हम कराते हैं। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि गॉलस्टोन की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं या फिर कॉलिसिस्टाइटिस या फिर गॉल ब्लैडर में पॉलिप की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हो जाती है, क्या नुकसान करती है और क्या इलाज होना चाहिए, वो पूरे तरीके से समझ लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।